जर जोरू और जमीन जोर की, अरे वो तो समझ, और जोर नहीं है तो किसी और की, ठीक है, या बात किसी से बगैर सर क्या सरकारी रास्ता भी हो जाएगा उसमें सर किसी और का? अरे कब तक समझाया तुम्हारे? चलिए ठीक है, हम तो आपसे स्थायी निराकरण चाह रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस तहसीलदार की ऐसी करतूतें जो आपने ना तो किसी सरकारी अफसर से सुनी होगी और ना ही देखी होगी। ये है देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर। ये वही बहादुर साहब है जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए लॉकडाउन के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते लोगों को मेंढक कूद करके बकायदा बैंड बाजों के साथ आधा किलोमीटर तक जुलूस निकलवाया था, और मेंढक कूद के दौरान जो खड़ा हुआ उसे दौड़ा दौड़ा कर लातों से मार घटिया हरकत का परिचय दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इस घटिया तहसीलदार द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा की गई थी। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने भी विरोध जताते हुए इसकी निंदा की थी, और सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल किया गया था जिसमें लिखा था कि तहसीलदार बजरंग बहादुर के खिलाफ यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीलदार का मुंह काला करेंगे। ताज़ा मामला देपालपुर के ग्राम शहावदा ग्राम पंचायत छोटी कलमेर तहसील देपालपुर जिला इंदौर से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों द्वारा सरकारी रोड पर अपना हक जमा आम जनता के साथ गुंडागर्दी कर रहे उन्हें धमकाया जा रहा है। पीड़ित बद्री केवट निवासी ग्राम शहावदा तहसील देपालपुर के अनुसार उनकी एवं उनके परिवार की कृषि भूमि शासकीय रास्ते सर्वे नंबर 23-3 से लगी हुई है। उक्त रास्ते से ही वे उनके ट्रैक्टर ट्रॉली हल खेत में ले जाते हैं। बार बार ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने से रास्ता क्षतिग्रस्त होकर वहां बड़े बड़े गड्ढे हो जाने पर उनके परिवार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर उक्त रास्ते को मरहम डालकर सही किया जा रहा है। तभी वहां पर क्षेत्र के दबंग नारायण गारी, राधा किशन गारी, उमराव गारी एवं परिवारजन लाठी डंडों के साथ पहुंचे और कहा कि इस क्षतिग्रस्त रास्ते को सही करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस रास्ते पर हमारे परिवार का अधिकार है, अगर यह रास्ता सही किया गया तो पूरे केवट परिवार को जान से खत्म कर देंगे। परिवारजन डर कर तुरंत देपालपुर थाने पहुंचे और वहां पर लिखित में आवेदन देकर दोषियों पर कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। अगले दिन परिवारजन जब देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर के पास लिखित आवेदन लेकर मदद मांगने पहुंचे तो मदद करने की बजाय बड़ी ही घटिया और निर्लज्जता से सरकारी कुर्सी पर बैठकर ये महाशय तकिया कलाम देते नजर आए, और पास बैठ साहब तो यहाँ तक कह गए कि पहले विवाद तो करिए, जिसे सुन बड़े ही आराम से तहसीलदार साहब मौन धारण करते नजर आए। तहसीलदार साहब यहाँ पर नहीं रुके, उनके हिसाब से जिसकी लाठी उसी की भैंस, कानून का क्या काम। आप भी देखिए यह एक्सक्लूसिव खुफिया स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ एनडीटीवी टाइम न्यूज पर, जहां कैसे इन बेशर्म अफसरों की मंडली किस तरह जनता का मखौल उड़ाती है। इंदौर से विशेष संवाददाता दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोए के साथ रविकांत वर्मा की खास रिपोर्ट। हमने तो नहीं, हम तो यहाँ बोले भाई एक जगह से जगह और दी थी ना, हम तो अपन हमारे डाल लेंगे यार भाई, हमारे सुख पर कमेंट खाई लेंगे यार, बोले नहीं नहीं डालने तो मार। तुम्हारी समस्या का कानूनी समाधान तो नहीं है, क्योंकि नक्शे में वो जो पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है, और उस जमीन पर से तुम रास्ता है तुम्हारा निकल रहा है, ये भी सही है कि नहीं? सर नक्शे में तो रोड दिखा रहा है ना उसमें। अपन जब तक कमतर अपन है अपने आप को कमजोर समझेंगे तब तक सामने वाला हैवी होते ही रहेगा। वो तो अपने पास रिकॉर्ड नहीं है उसकी नफ्ती सही कर दे, समझ रहे हो कि नहीं? दो जिलों की सीमा है, ये बात ही है, इधर से नामने जाओ तो उधर निकल जाओ, उधर वाले नामने आए तो इधर निकल जाओ, ऐसा है। दो जिले के पटवारियों को बुला के तो अपन नफ्ती करा नहीं सकते। वो क्या है, दूसरे जिले की सीमा लग रही है, है ना?
नहीं सर, बाकी वो गांव तो इसी तहसील में आ रहा है ना पूरा, जो रास्ता है। समझा यार तुम्हारे को, ये दो चीजें हैं, ये इंदौर जिला, ये धार जिला। नहीं धार जिले के जिस रोड का विवाद है वो रोड तो नक्शे में दिखा रहा है ना सर। अगर अगर जो चीज नक्शे में दिखा रही रोड जो है शासकीय रोड है तो उसपे कोई कैसे कब्जा कर सकता है, और वो लोगों तक मरने मारने पे उतारू है, इसलिए फट जाती है तुम लोगों की, है ना। तो सर श्रीमान फटेगी तो सर, सर फट रही जब भी तो हम कानून की शरण में, प्रशासन की शरण में आए हैं भैया। प्रशासन का क्या मदद करेगी तुम्हें, हम जावा हम मिट्टी डाला। भैया नमस्कार, भैया ये बोल रहे तो कि एक शहादा को मेटर ही बहुत सारा लोग आया हुआ है, कोई व्यक्ति एक विशेष है, उन्हें इनका रास्ता पर शायद तुम गया भी था तो मुरम नहीं डालना थी, तो वहाँ कहीं विवाद है बाउंड्री पर, दूसरा गांव की सीमा लगी कि दूसरा जिला की सीमा के मैटर है। हाँ अरे कई नामों को सामने वाला हो, नारायण नारायण चौधरी, वो चौधरी है कोई, राधेश्याम राधेलाल, राधा किशन चौधरी, नारायण चौधरी, नारायण चौधरी, तो उसको थोड़ी देर रुकने का बोलते हैं। हाँ 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 ले तो मतलब मिलान में हीरो कहीं है, तो सब पत्र पक्को डन तीसरा तो और एक बना लो मैं सर के बता जा रहा हूं, गवर्नमेंट फोन कर रही है सर, बात करे वो ठीक है। दो तुम्हारे भाई का इनका लगा दो सब पत्र सब देखा ने एसएनआर साहब से नक्की करवा दी है गांव की, वो उस में डर तो 50 किलो बात की। हां सर, अरे मौके पर देखो यार, रास्ता यदि है भले ही निजी जमीन में रास्ता रहता है तो उसको कोई रोकता है क्या किसी को? हम तो एक काम करते हैं ना, इनको कर देते हैं कि ये यदि जमीन सरकारी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्राइवेट जमीन भी होगी तो वही बाटी का रास्ता है, ठीक है। हाँ रास्ते को नहीं रोकेगा, बात खत्म, ठीक है। थोड़ी मार देखो, मार देखो तो पूरा परिवार बन देखो। सुनो तुम लोगों को हिंदी में समझो, है ना, जर जोरू और जमीन जोर की, अरे वो तो समझ, और जोर नहीं है तो किसी और की, ठीक है। या बात किसी से संबंध है बगैर सर, क्या सर ऐसे कब तक रहेंगे? अभी घटना ये हुई क्या यहाँ, जब ये हमने तीन ट्राली पत्थर डाले, कीचड़ भयंकर हो गया, तो दो चार पत्थर इसने फेंके राधेश्याम ने, तो वो आया कि यहाँ से मेरी जगह निकलती, पत्थर मत डालो नहीं मैं एक एक कर को निपटा दूंगा, मार डालूंगा एक एक को जान से। और 24 तारीख को 10-15 आदमी लाए वो धमकी देने के लिए, तो उस कैलाश भाई को बोले कि यहाँ पत्थर मत डाले नहीं तो तेरे को मार कर फेंक देंगे। ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये राधा किशन, राधा किशन चौधरी और बिसा खेड़ी वाला छगन जी वो लाए, भी छोरा लाया कहीं। आपने अभी शिकायत कहीं? शिकायत कहाँ करें साहब, कोई सुनने को राजी नहीं है, केवट समाज के तो कोई सुनने वाले। सर हम तहसीलदार साहब के पास गए थे कि सर हमने बोला सर ऐसा ऐसा, वो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि जैसा कीचड़ है वैसे में रो आप, वो जहाँ आपको कार्रवाई करना है वहाँ पे कर सकते हैं, वैसा कीचड़ वैसा ही में रो। गांव का जो रोड है ये क्या उनकी निजी जमीन पर है? नहीं सर, तो ये आम रास्ता है, आम रास्ता है, ये 100 साल पुराना रास्ता है, हमारे बुजुर्ग भी निकल निकल के मर गए और चले गए और हम भी चले गए, मेरी भी उम्र 60 साल की हो गई साहब, अभी तक ऐसे में निकले ना कोई अधिकारी आता है
ना कुछ ये सुनते हैं, कुछ भी नहीं काम करते हैं, तो ये भोई समाज का होगा क्या, केवट समाज का? धमकी दे के ये तो कहते हैं कि ये मकान इतने सारे बने, ये यूँ के ये तो तोड़ दो, तम जिसके बाद निराकरण होगा, और ज़्यादा करोगे तो एक एक को निपटा के मार डालेंगे। नक्शे में आपने इस रोड को देखा, ये है कि नहीं? हाँ सर, है पूरा नक्शे में है सर, ये देखा हमने। हाँ सर, नक्शे में रोड है। हाँ, फिर भी आपको इस पे मरम नहीं डालने दे रहे सर। हाँ, डालने दे रहे सर। तो इसको लेके कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं जो अब घटना का स्तर पे है? हाँ, हमारा भाई शांत हो गया, अब घटने के स्तर पे ही है। अभी कुछ दिन पहले इसी भाई का बाइक से लेके जा रहा था, कीचड़ था, इस भाई का हाथ टूट गया। माता राम कहीं नहीं हुआ, हूँ गाड़ी भी बैठी थी बच्चा की, नाना की, बाजार जाता था हम, तो जो पानी पड़ गया था हड़काल का, तो गाड़ी रपट गई, तुम्हारा हाथ भागी, डालने देता है, मारने की धमकी देता है। हाँ, नुके जैसे है ऐसे ही में रहो। पटवारी साहब के पास गया था तो उन्होंने कहे तुम्हारे लट के जोर से डलवा लो, डले तो नहीं तो कहाँ भी जाओ, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ बोल रहे। तहसीलदार साहब भी यूँ कहता है मेरे को वैक्सीन का काम दिया, वैक्सीन का काम करूँ, जहाँ जाना वहाँ जाओ तुम। हाँ, थाने स्तर पे इसकी कोई शिकायत करी गई आप? पहले दिए थे आवेदन, अभी तो कुछ नहीं करा। हाँ, पे भी सुनवाई नहीं हुई ना, थाने पे पास कोई सुनवाई नहीं हुई, मारने की धमकी देते हैं। पहले भी मेरे पापा को रात में मारने के लिए आए थे, मेरे पापा मेरे अंकल के घर पे चले गए क्या, और बस हमेशा मारने की धमकी देते हैं। आप यहाँ पे कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं हम SDM साहब को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे, और हम हमारे केवट समाज से ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ के केवट जो जितने यहाँ से लगाकर यहाँ तक रहते इस केवट लोगों का, हम यही निवेदन चाहता हूँ, मेरी केवट समाज से भी मैं चाहता हूँ कि इसको हमको न्याय दिलाया जाए। ये दबंग लोग हमको मारने की धमकी देते और भगाने की धमकी कर रहे थे, और वो बोलता है कि एक एक को हम मार देंगे यहाँ जगह। और कुछ दिन पहले 2010 में हमको एक झूठा इंजाम में फंसाया गया, जिसका हमको बहुत काफ़ी खर्चा करना पड़ा हमको क्या, इसके लिए हमने जेल भी काटी है। बस ये लोग प्लानिंग करके एक कर नठाना चाहते हैं हमको, और यूँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे